नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। स्वागत करती हूँ अपने सारे दोस्तों का आपके अपने ही चैनल मी सहेली पर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पापड़ की रेसिपी, जिसे एकदम आसान तरीके से हर कोई अपने घर में बना सकते हैं और आपको कुछ भी बाहर से नहीं लाना है, क्योंकि आज बनेंगे गेहूं के आटे के पापड़, जो कि पापड़ हेल्दी भी है और खाने में काफी चटपटा है। और आपको ऐसा भी नहीं है कि आपको कोई भी दाल पीसना है या बेसन लाना है या कोई चीज, गेहूं के आटे तो हम लोगों के घर में होता ही होता है। तो आज मैं इसी आटा से आपको पापड़ बना के दिखाने वाली हूँ। यदि आपको भी बनाना है गेहूं के आटे के पापड़ तो पहले अच्छे से वीडियो को देख ले, समझ लें, उसके बाद आप पापड़ बनाएं। आधा अधूरा वीडियो देखिएगा तो आपका पापड़ हो सकता है कि अच्छा ना बने। गेहूं के पापड़ बनाने के लिए ये जो नॉर्मल हम लोग रोज रोटी बनाते हैं वही वाला आटा लेना है। यदि आपके पास घर का पिसा हुआ आटा है तो वो थोड़ा सा मोटा होता है, और यदि आप बाजार वाले पैकेट वाला आटा लेते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा बारीक होता है, उसमें ज्यादा चोकर नहीं निकलता है। तो आप देख लेंगे, यदि आप घर का आटा से बना रहे हैं तो आटा को 3 से 4 बार छन्नी से छानिएगा और देख लीजिएगा कि बहुत ज्यादा उसमें चोकर है तो आप एकदम पतला वाला कपड़ा से भी आटा को अच्छे से छान के और इसका बारीक वाला आटा निकाल सकते हैं। यदि आपको झटपट बनाना है पापड़ तो, और रह के बनाना है, जैसे कि कभी भी आप पापड़ बनाना चाह रहे हैं तो आप पापड़ को बना सकते हैं, तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा समय जाएगा, उस पापड़ को अलग तरीके से बनाया जाता है। तो सबसे पहले हमें गेहूं के आटे को कोई भी कप या कटोरी से नाप के लेना है, जिससे कि इसका सही मात्रा हर चीज का मालूम होना हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ये वाला कप लिया है और इसमें डालना है हमें आटे को। तो आटा को इस तरीके से दबा के डालना है, क्योंकि आटा ये जो है कम हो जाएगा बाद में। कैसे कम होगा आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, 1 कप आटा बहुत अच्छे से दबा के और ली हूं, इसमें रख लेना है। और साथ ही में हमें इसी कप से आधा कप आटा और लेना है, तो कुल हमारा बाद में 1 कप से थोड़ा सा आटा ज्यादा बचेगा। अब इसमें से कितना चोकर निकलेगा वो हमें मालूम नहीं है, तो चोकर इसका निकालना है इसके लिए। तो देखिए यहाँ पर 1.5 कप हमारा आटा हुआ है और इतना ही से हम पापड़ बना के बहुत सारा पापड़ आपको दिखाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके और छोटा सा जो घंटी है उसे एक बार प्रेस कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, लेकिन आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत कीमती है, तो आप अपना सपोर्ट जरूर बनाए रखिएगा। आटा हमारा तैयार हो चुका है, अब इसका ही पापड़ बनेगा। पापड़ कैसे बनेगा, तो सबसे पहले हमें आटे की तैयारी करना है। तो देखिए यहाँ पर चूल्हे पर डाला है मैंने पैन, और पैन में हमें डाल देना है गेहूं के आटे को। इसके अंदर घी या तेल हमें कुछ भी नहीं डालना है, इसी तरीके से आटा को डालना है। आप सोच रहे होंगे कि गेहूं के आटे को भून के पापड़ बनाया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गेहूं के आटे का पापड़ यदि आप पहले बनाए होंगे तो आप ये चीज महसूस किए होंगे स्वाद में, कि थोड़ा सा आटा आटा जैसा इसका फ्लेवर पापड़ में रह ही जाता है। तो उसी फ्लेवर को कम करने के लिए हमें 2 मिनट तक आटे को भूनना है, बहुत ज्यादा देर तक नहीं भूनना है, मात्र 2 मिनट ही आटे को इस तरीके से चलाते हुए भून लेना है। 2 मिनट से ज्यादा भूनेंगे तो आटा हमारा जो है इसका जो चिपचिपापन है वो खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए 2 मिनट ही आप आटे को भूनिएगा, गैस के आंच को थोड़ा सा कम ही रखना है। आपको बचे हुए आटा का, जैसे हम लोग आटा गूंथते हैं रोटियों के लिए और ज्यादा गूंथ जाता है, आटा बच जाता है, तो उसे फ्रीज में रख दिया जाता है। यदि आपके पास वैसा आटा है और आप उसका रोटी नहीं बनाते हैं तो आप पापड़ बना के रख सकते हैं। आपको गूंथे हुए आटे का पापड़ चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो का लिंक आपको दे दूंगी। आप उस तरीके से जब चाहें ढेर सारा पापड़ बना के तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 मिनट करीब हो चुका है आटा को भूनते हुए। अभी मैं कर देती हूँ गैस को बंद और आटा को उतार के और ठंडा करना है, अच्छे से ठंडा करना है। गेहूं के आटे के पापड़ के लिए हमें आटा जितना अच्छा से तैयार कर लेंगे उतना ही अच्छा आपका पापड़ बनेगा और इसका कलर भी अच्छा रहेगा, बहुत ज्यादा डार्क नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी से ठंडा करने के लिए किसी और बर्तन में निकाल लिया जाए।
तो यहाँ पर छन्नी ले लीजिए और छन्नी में आटा को डाल देना है। डाल के आटे को बहुत अच्छे से हमें छान लेना है। तो आप पैकेट, ये पैकेट वाला आटा है तो इसमें बहुत ज्यादा मोटा वाला जो चोकर होता है उसे हम लोग चोकर ही बोलते हैं। अब आप लोग के यहाँ क्या बोला जाता है, जो गेहूं का छिलका रहता है आटा के साथ वो ज्यादा नहीं होता है। आप घर का आटा लेंगे तो जैसे पहले ही मैंने बताया कि आप उसे कपड़े से भी छान सकते हैं। आटा को जितना पतला करके लीजिएगा, इसका बारीक वाला आटा का पापड़ बनाइएगा, उतना ही अच्छा आपका पापड़ सफेद बनेगा। तो देखिए इसमें थोड़ा बहुत हल्का फल्का जो भूनने के समय में गुठली पड़ गया है उसे हमें निकाल लेना, देख पा रहे हैं। और ये बारीक वाला आटा हमारा जो है तैयार मिल चुका है हमें। अब इसमें पानी डालना है तो चलिए पानी डालती हूँ। जिस कप से आप आटा ले रहे हैं उसी से पानी डालें। अभी जो इसमें पानी जा रहा है इसके साथ पापड़ नहीं बनेगा। तो देखिए कैसे बनेगा वो मैं आपको बता रही हूँ, आप पूरा वीडियो अच्छे से देख लें। बहुत अच्छा आपका पापड़ भी बन जाएगा घर में और बहुत ज़्यादा तामझाम भी आपको नहीं करना पड़ेगा। गेहूं के आटे के पापड़ का स्वाद भी कुछ अलग टाइप का होता है। सारे आटे को हमें पानी में पहले इस तरीके से घोल लेना है और इसमें जो गुठली वगैरह पड़ रहा है उसका भी टेंशन मत लें क्योंकि इसे भी निकालने का तरीका है हमारे पास। तो देखिए यहाँ पर आटा को बहुत अच्छे से घोल लिया है मैंने और इसमें 2 कप पानी का इस्तेमाल अभी तक हो चुका है और 1 कप पानी इसमें डाल देती हूँ। देखिए 1 कप पानी इसमें, और आप ज्यादा भी डाल सकते हैं। और डालने के बाद क्या करना है, ये 4 कप पानी है, आप इसे चाहें तो ढक्कन लगा के और पानी को जमने तक छोड़ दीजिए। जब तक इसमें जो पानी है, जितना पानी इसमें डाला गया है, आटा अंदर बैठ जाए और सारा पानी ऊपर आ जाए, निथर जाए, एकदम पानी प्लेन हो जाए, तो इसके ऊपर जितना पानी एक्स्ट्रा आएगा उसे आप निकाल लें। फिर वापस से इसमें 4 कप पानी डालें, फिर उसे थोड़ा देर छोड़ दें और फिर वापस से पानी को निकाल लें। 3 से 4 बार यदि आप ये चीज कर लेते हैं तो आपका पापड़ सफेद बनेगा। और यदि झटपट से आप पापड़ बना के तैयार करना चाहते हैं तो पापड़ के टेस्ट में कोई भी अंतर नहीं होगा, सिर्फ इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है, उतना भी नहीं, हल्का सा ये गेहूं कलर का होता है। तो चलिए इसे थोड़ा देर छोड़ देती हूँ पानी को शांत होने के लिए। उसके बाद इसमें से थोड़ा सा पानी निकाल के और वापस से इसमें पानी डाल के और पापड़ को बनाऊंगी। तो किसी भी शांत जगह पे आपको छोड़ना है जहां कोई इसे हिलाए डोलाए ना, आराम से पानी जम जाए। तो देखिए यहाँ पर पानी इसके अंदर आ चुका है, ऊपर, और आटा जो है बैठ चुका है। इसे और थोड़ा देर रखना है। तो एक बार ये वाले प्रक्रिया को कर चुकी हूँ और ये दूसरा बार है। 2 से 3 बार आपको इसी तरीके से आटा को साफ करना है, देख पा रहे हैं। और देखिए यहाँ पर आटा जो है हमारा एकदम गाढ़ा सा आटा नीचे बैठ गया है। तो पानी को चेंज करते रहना है इस तरीके से। जब आप करेंगे तो आपका पापड़ थोड़ा सा सफेद बनेगा और कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आटा जो है हमारा सफेद हो चुका है। अब इससे ही हमें पापड़ बनाना है। तो पहले 4 कप पानी इसमें डाला गया था, 2 कप करीब पानी निकल चुका है, लेकिन 2 कप पानी इसमें अभी भी होगा। तो चलिए और बाकी का पानी इसमें ऐड कर लिया जाए। तो ये 3 कप, 4 कप, ये 5 कप, तो कुल 5 कप पानी 1 कप आटा के लिए इस्तेमाल की हूँ। और इसे हमें देख लीजिएगा फ्रेंड्स, यदि आप पका रहे हैं और बहुत ज्यादा ये गाढ़ा हो गया है तो आप बीच में थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर लीजिएगा, और बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा तो फिर आपको दिक्कत होगा पापड़ बनाने में। तो 5 कप पानी ही इसमें डाली हूँ। अब आटा आटा के ऊपर है, कोई आटा मोटा होता है, कोई आटा पतला होता है, तो उस हिसाब से इसमें आपको पानी डालना होगा। साथ में डालना हमें नमक, पापड़ सूखने के बाद थोड़ा कम हो जाएगा तो नमक आप हिसाब से ही डालिएगा। बहुत ज्यादा नमक डाल दीजिएगा तो ये नमक नमक सा हो जाएगा। और इसमें आप थोड़ा सा मीठा सोडा, यानी खाने वाला सोडा जो हम लोग खाना में यूज करते हैं वो वाला डाल सकते हैं, या पापड़ खार डाल सकते हैं।
आपके पास पापड़ खार है तो आप पापड़ खार डालिए, नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा डाल सकते हैं, ज्यादा नहीं डालिएगा नहीं तो पापड़ का कलर लाल हो जाएगा। जब आप फ्राई करेंगे पापड़ को तो पापड़ का कलर लाल हो जाएगा, थोड़ा सा ही डालना है और अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। कहीं भी ये मीठा सोडा जो है एक जगह जमा ना रहे, चारों तरफ अच्छे से फैल जाए। और बाद में थोड़ा सा कटोरी में पानी डाल के, और डालना होगा तो 1 कप पानी का इस्तेमाल और हो जाएगा बाद में, तो कुल 1 कप आटा में 6 कप पानी डालिएगा, एकदम सही माप रहेगा ये। तो चलिए अब पापड़ बना के दिखाती हूँ। अब यहाँ पर पैन या कढ़ाई आप कुछ भी डाल सकते हैं, चूल्हे पर बर्तन, लेकिन थोड़ा सा मोटा तले वाला बर्तन होना चाहिए। और इस तरीके से इसे पहले मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद इसमें हमें डाल देना है बर्तन में पूरे आटे के घोल को, और ध्यान से इसे चलाइएगा, बिल्कुल भी इसमें कोई गुठली ना पड़े। अब गुठली पड़ेगा तो ये गुठली नहीं निकलेगा, और शुरू में यदि गुठली पड़ जाता है तो वापस से आप घोल को छन्नी में छान के और पैन में डालिए, तो उसमें जो गुठली पड़ा रहेगा वो सारा गुठली निकल जाएगा। आप किसी भी तरह के पापड़ बनाने चाहते हैं, जैसे कि गेहूं के आटे से लेकर मैदा, सूजी, चावल का आटा, कच्चा चावल, कोई भी पापड़ की रेसिपी आपको चाहिए तो सारे पापड़ की रेसिपी हमारे चैनल पर अपलोड है, आप चाहें तो देख सकते हैं। आप बेसन के पापड़ बनाना चाहते हैं, जिसे कि बिना आटा गूंथे हुए, बिना पापड़ बेले हुए आप बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। आपको वीडियो का लिंक चाहिए तो फ्रेंड्स आप कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो का लिंक आपको दे दूंगी। इसमें नमक पड़ा हुआ है, मीठा सोडा पड़ा हुआ है, तो अभी इसमें कोई मसाला हमें नहीं डालना है। पहले इसे अच्छे से पकाइए जिससे इसका कच्चापन बिल्कुल निकल जाए, और आटा हल्का सा आप भून के डालते हैं तो पापड़ के अंदर बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रहेगा। लेकिन भूनते समय आपको ये बात का ध्यान देना है कि आटा को बहुत ज्यादा नहीं भूनिएगा, नहीं तो पापड़ अच्छा नहीं बनेगा। बस 2 मिनट घड़ी के टाइम से 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर आपको भूनना है। शुरू में जो मैं बताई हूँ फ्रेंड्स, उस बात का आपको ध्यान जरूर रखना है। वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए, उसके बाद आप पापड़ बनाइए। तो देखिए अभी ये थोड़ा सा गर्म हुआ है, और अभी पकने में इसको कम से कम 10 मिनट का टाइम लगेगा। जब ये गर्म हो जाएगा फिर आंच को थोड़ा कम कीजिए, उसके बाद इसे पकाइए। शुरू में आंच ज्यादा रहेगा, उसके बाद आंच को कम करना है, और 10 मिनट तक हमें घोल को पकाना है। अच्छे से पकाइएगा तो पापड़ बिल्कुल भी नहीं फटेगा, और यदि कच्चा रह जाएगा तो पापड़ फटने का डर रहता है। तो चलिए थोड़ा सा ये हल्का सा गाढ़ा होता है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए अब ये घोल जो है गाढ़ा होना शुरू हो चुका है, और आप इसका कलर देख पा रहे हैं, कलर कितना अच्छा सफेद बना है। पता नहीं चलेगा आपको कि आपने गेहूं के आटे से पापड़ बना के तैयार किया है। जैसे मैं आपको पानी बदलने का बताई हूँ, उस तरीके से आप पानी बदलिएगा 3 से 4 बार, तो बहुत अच्छा आपका पापड़ बनेगा। कभी भी आप फ्री समय में आटा में पानी डाल दे, ढक के छोड़ दे, जब वो जम जाए चेंज कर लें। इस तरीके से आप चेंज कीजिएगा, एक एक स्टेप आप अच्छे से समझ के पापड़ बनाइएगा, तो आपका पापड़ कभी भी खराब हो ही नहीं सकता है। देखिए घोल हमारा पकना शुरू हो चुका है, देखिए, और ये बहुत ही ज्यादा चमकदार हो गया। देख रहे कितना चमकीला ये लग रहा है, जैसे कि साबुदाने का पापड़ हो। अभी घोल अच्छे से नहीं पका है, फिर भी इतना गाढ़ा हो गया है, थोड़ा देर इसे और पकाना है। मूंग दाल के पापड़ बनाने हैं फ्रेंड्स, बिना आटा गूंथे हुए, बिना पापड़ बेले हुए। उड़द दाल के, दाल के बेसन का नहीं बोल रही हूँ, दाल से यदि आप डायरेक्ट दाल से पापड़ बनाना चाहते हैं बहुत ही आसान तरीके से, आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। पापड़ की रेसिपी बहुत सारे हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं, आप नए हैं, आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखिएगा हमारे अन्य वीडियो को, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जो भी वीडियो अच्छा लगे, और कहीं भी कोई दिक्कत हो, समझ में ना आए, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। देखिए अब ये पकना शुरू हो चुका है बहुत अच्छे से। देख पा रहे हैं
अभी आंच को बिल्कुल लो रखी हुई हूँ, थोड़ा सा इसे और पका लेना है जिससे इसका कच्चापन निकल जाए। तो अभी ये घोल पक चुका है पापड़ के लिए। बहुत ज्यादा इसे गाढ़ा कर देंगे तो फिर पापड़ बनाते नहीं बनेगा, आपको दिक्कत होगा पापड़ बनाते समय। आपको ऐसे समझ में नहीं आए तो आप थोड़ा सा घोल लें और कोई भी प्लेट में इस तरीके से डाल के देखें। तो देखिए इसमें से एक्स्ट्रा पानी इधर उधर से नहीं निकल रहा है, ये आराम से एक जगह जमा हुआ देख पा रहे हैं। तो ये घोल पक चुका है। अभी मैं कर देती हूँ गैस को बंद और इसमें बाकी का मसाला हमें अब डालना है थोड़ा सा ठंडा करके। तो चलिए इसमें अब मसाला क्या पड़ेगा वो मैं आपको दिखाती हूँ। पापड़ के घोल को इस तरीके से चलाते रहिएगा, नहीं तो ढक के रखिएगा। इसके ऊपर पपड़ी सा नहीं जमना चाहिए, यदि पपड़ी सा जम जाएगा, जैसे आप इसे खुले में इस तरीके से उतार के रख देंगे तो इसमें पपड़ी जम जाता है। इसमें डालना हमें एक छोटा चम्मच जीरा और चिली फ्लेक्स। आप इसमें और भी कुछ मसाला डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। जीरा और लाल मिर्ची से ये पापड़ बहुत अच्छा बनेगा। आप कलौंजी डालना चाहते हैं, थोड़ा अजवाइन भी डाल सकते हैं। तो मैं भी थोड़ा सा अजवाइन इसमें डाल देती हूँ जिससे पापड़ का स्वाद भी बढ़ेगा और पापड़ पचने में भी आसान होगा। थोड़ा सा डालती हूँ जीरा और थोड़ा सा अजवाइन, दोनों मसाले आप डाल लीजिएगा। और गेहूं के आटे के पापड़ में हमें हींग नहीं डालना है, हींग डालने से इसका स्वाद उतना अच्छा नहीं आएगा। दाल के पापड़ में हींग डाला जाता है। ये आटा का पापड़ है, चावल का पापड़, आटा के पापड़ में हींग नहीं डालते हैं। आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं। आप देखिए हमारा घोल पापड़ के लिए एकदम परफेक्ट तैयार हो चुका है। और ये थोड़ा सा गर्म रहेगा तभी आप इसका झटपट से पापड़ बना ले, बहुत ज़्यादा ठंडा करने से एकदम ये जम जाएगा। दूसरे बर्तन में निकाल लेती हूँ क्योंकि पैन बहुत ज़्यादा फैला हुआ है तो घोल हमारा बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा और इसके ऊपर हो सकता है कि पपड़ी सा पड़ जाए। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं फ्रेंड तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आप पापड़ बना के दिखाती हूँ। तो पापड़ बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है जो गेहूं के आटे का खाली पैकेट होता है वही वाला पैकेट। बहुत अच्छा इसमें पापड़ बनता है और इसके ऊपर ना ही हमें तेल लगाना है ना ही हमें घी लगाना है। बस अच्छे से धोधा के साफ सुथरा कर लीजिए और आप जब चाहें इसके ऊपर पापड़ बना के तैयार करें। तो यहाँ पर देखिए पापड़ को इस तरीके से डालना है, आप बड़ा छोटा जैसा बनाना चाहते हैं आप अपने पसंद से पापड़ बना लिए लीजिएगा। तो यहाँ पर ज्यादा बड़ा पापड़ नहीं डालना, थोड़ा सा इस तरीके से डालिए। सूखने के बाद पापड़ थोड़ा छोटा हो जाएगा। जब आप फ्राई करेंगे तो फिर वापस से ये बड़ा हो जाएगा। बहुत ही आसान रेसिपी है गेहूं के आटे के पापड़, बहुत ही आसान रेसिपी है। इससे खिचिया पापड़ भी बनाया जाता है। खिचिया पापड़ बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है और ये वाले पापड़ आसानी से आप बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड सारे पापड़ को बना देती हूँ और बनाने के बाद दिखाती हूँ आपको। पापड़ हमारा बन चुका है, अब इसे हमें सुखाना है। धूप है तो धूप में सुखाइए। धूप में यदि आप गेहूं के पापड़ को सुखाएंगे तो ये बहुत अच्छा सफेद सफेद सा ही रहेगा। और आपके यहाँ धूप नहीं है तो आप पंखे की हवा में भी सुखा सकते हैं। और जब धूप निकले तो आप इसे थोड़ा सा धूप में जरूर रखिएगा तो पापड़ अच्छा बनेगा। तो चलिए फ्रेंड्स पापड़ को सूखने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए पापड़ सूखने के बाद कुछ इस कलर का हो गया है, देख पा रहे हैं गेहूं के आटे का पापड़ का कलर कुछ ऐसा ही बनेगा। लेकिन जब पापड़ फ्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एकदम ये सफेद बना है। तो चलिए एक दो पापड़ को फ्राई करके भी दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब इसमें डालना है हमें पापड़। बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज्यादा टेस्टी पापड़ बनके तैयार होता है। तो आप गेहूं के आटे से जरूर पापड़ बनाएं और बनाना भी एकदम आसान है, देख पा रहे हैं।
मेरा ध्यान थोड़ा सा इधर से उधर हो गया फ्रेंड्स, मैं छन्नी लेने लगी तो ये पापड़ थोड़ा सा डार्क हो गया है। मैं आपको दूसरा पापड़ फ्राई करके दिखाती हूँ। देखिए ये वाले पापड़ देखिए, है ना दूध सा सफेद पापड़, गेहूं के आटे का। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।